रविवार को राजधानी में राजनीति का पारा चढ़ा था तो उधर सत्ता में वापसी को बेताब अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में थे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। लखनऊ से आजमगढ़ जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जनपद अमेठी सुल्तानपुर बॉर्डर हलियापुर में सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने अपने साथियों के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का स्वागत किया। अखिलेश यादव को जय सिंह प्रताप ने बाबा साहब की प्रतिमा भेंट की। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हरियापुर से सदर जयसिंहपुर की सीमा तक जगह जगह सफाई एक्सप्रेस वे पर फूल माला लिए खड़े थे। अखिलेश यादव ने किसी को भी निराश नहीं किया, सबसे मिले और कार्यकर्ताओं से बोले कि वोट बढ़ाइए, सरकार बनाइए। वहीं आपको कुरेभार के पास जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र विक्रम उर्फ संजय वर्मा, सुरेंद्र यादव छोटे नेता, प्रधान अनिल वर्मा ने सपा अध्यक्ष का स्वागत किया। अखिलेश का काफिला हलियापुर में रुका, जहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी समर्थकों से पार्टी को मजबूत करने, वोट बढ़ाने और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी समर्थकों से पार्टी मजबूत करने और स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और 2022 में सरकार बनाने का निर्देश दिया। तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो, क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं, क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीजें बेच रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं जो दमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दमदार को तो हटाओ। सौतेला व्यवहार न हुआ होता तो 2.5 साल में ये पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया होता, मंडियां बन गई होती, मेडिकल कॉलेज में और सुविधा मिल जाती, एम्बुलेंस बढ़ गई होती और जो काम आधे अधूरे पड़े थे सरकार के उनको पूरा कर देते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, कोई बड़ा काम किया हो तो बता दे। बोरी में से खाद निकाल ली और 500 रुपए सम्मान दे दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, 500 रुपए सम्मान कर दिया। इसलिए किसान इस बार हिसाब किताब लगा करके बैठेगा कि जब हिसाब किताब अपनी खाद का, अपनी DAP का लगाएगा और डीजल का हिसाब लगाएगा और बिजली के बिल का हिसाब लगाएगा, तब इनको जवाब मिलेगा। आज सड़कें जो गड्ढा मुक्त वाली बात हो